आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइव इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को और कहते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, रोया, हंसा, जागा, लिखा, पढ़ा, नाचा, गाया इस तरह का सेंस आता है, तो वो सेंटेंस कौन सा टेंस का सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, रोया, हंसा, जागा, लिखा, पढ़ा, नाचा, गाया, कूदा इस तरह का सेंस आता है, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये क्या है, ये पहचान है, इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए, इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है। मैं आपको उन सभी सेंटेंसेस के थ्रू ये बताऊंगा कि किस तरह से हम सेंटेंस में ये सेंस पाते हैं और तब हम ये कहते हैं कि ये सभी सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, सीता ने एक पत्र लिखा। देखिए, लिखा का सेंस आ रहा है। मैंने उसे एक कलम दिया। मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया। उसने खाना नहीं खाया। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? सीता गाना कब गाई? यहाँ पे देखिए, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस आ रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, ये सभी सेंटेंस किस टेंस के सेंटेंस हैं? ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। अब हम चलिए मूव करते हैं और ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए जब मेन वर्ब का यूज किया जाएगा, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? यहाँ पे बताया गया है पास्ट फॉर्म में, जिसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहा जाता है। ये पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे, लेकिन जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव के बजाय निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, तो उन सभी सेंटेंस में हम मेन वर्ब किस फॉर्म का यूज करेंगे? बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म का। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। आपको बताया गया है स्ट्रक्चर कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा, तो किस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए, और जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जिसको क्या कहा जाता है, पास्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सीता ने एक पत्र लिखा, मैंने उसे एक कलम दिया। ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है, वही आपको क्या करना है, वही आपको फॉलो करना है, और आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनता जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता।
यहाँ पे सीता, उसके बाद वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है लिखा। अब लिखना के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या होगा, रोट। सीता रोट आ लेटर, सीता रोट आ लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा, मैंने उसे एक कलम दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगाते हैं हम, आई। उसके बाद देना किसके मतलब होता है, गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म गेव, आई गेव हिम आ पेन, आई गेव हिम आ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया, उसने खाना नहीं खाया। ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में नहीं का यूज किया गया है, और जब इन दोनों सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ है तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। अब इन दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत डिड नॉट का यूज करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब आप निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। अब यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, यानी पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, आपको कौन से फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है वही हमको क्या करना है, फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। उसके बाद आपको डिड नॉट का, डिड नॉट, माई फ्रेंड डिड नॉट। वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, गया यानी जाना। जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो। माई फ्रेंड डिड नॉट गो टू स्कूल, माई फ्रेंड डिड नॉट गो टू स्कूल, मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया। उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है उसे, और उसे के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। उसके बाद डिड नॉट का यूज करिए, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खाया, और खाया के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, फूड, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस और इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, सीता गाना कब गाई। यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अच्छा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस मैंने आपसे कह दिया, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, तो इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको ये लग रहा है कि मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, और क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या मेथड होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। और यहां पे देखिए, जब मैं आपसे ये सेंटेंस कहा, ये क्वेश्चन पूछा, सीता गाना कब गाई, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, और क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, और नहीं दे सकते तो किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो जब आपके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सके तो वहाँ पर आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सके वहां पे आप क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। उसके बाद WH फैमिली का यूज करने के बाद या ना यूज करने के बाद आपको तुरंत किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। उसके बाद
ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसका यूज करना है तो आपका सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिड से। यहाँ पे लिखिए सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए किसका यूज किया जाता है? यू। ठीक है, तो डिड यू। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? पूरा करना, और पूरा करना किसके मतलब होता है? कंप्लीट। कंप्लीट, डिड यू कंप्लीट योर योर वर्क? डिड यू कंप्लीट योर वर्क? और लास्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे योर, सॉरी। ठीक है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सीता गाना कब गाई? इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली किसका यूज किया जाएगा? कब, और कब किसके मतलब होता है? वेन। यही क्या है? यही WH फैमिली है। उसके बाद आपको किसका यूज करना है? डिड का। यहाँ पे डिड का यूज करिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीता, यहाँ पे लिखिए सीता। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है गाना गाना, और गाना गाना किसके मतलब होता है? सिंग। डिड, सॉरी, व्हेन डिड सीता सिंग अ सॉन्ग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस में WH फैमिली का यूज नहीं किया गया है, और इस सेंटेंस में WH फैमिली का यूज किया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हमको किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए फॉलो करना होगा। देखिए जब आपका सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का और नॉट का यानी नहीं का दोनों का यूज किया जाता है, ऐसा सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों सेंटेंस को, अभी ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब मान लीजिए इस सेंटेंस में मैं क्या कर दूं, मैं इसमें नहीं का यूज कर दूं, ये सेंटेंस है क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? अगर मैं ये कह दूं क्या आपने अपना काम नहीं पूरा किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में अब क्वेश्चन मार्क और नहीं दोनों का यूज किया जा रहा है। सीता गाना कब गाई, अभी ये केवल इंट्रोगेटिव में है। सीता गाना कब नहीं गाई, अब ये सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा? इस स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जो कहता है वही आपको क्या करना, फॉलो करना है। अब अगर एक चीज और आप यहाँ पे नोट करें, तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर लिखा है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर लिखा है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क केवल ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करना है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है आपको जो मिल रहा है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। यहाँ पे देखिए क्या आपने अपना काम पूरा नहीं किया, क्या करेंगे? आपको यू के बाद नॉट का यूज कर देना, क्योंकि यही तो कह रहा ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करिए। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, और यू के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? नॉट का यूज कर रहे हैं। सीता गाना कब नहीं गाई, व्हेन डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग? यहाँ पे देखिए सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? नॉट का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहता है, या जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, और अगर निगेटिव रहता है तो ये स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव रहता है तो ये, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहता है तो ये स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम इस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस YouTube चैनल पे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएं। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।